पीपल हाय 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 वेलकम यार, बहुत बहुत स्वागत। बस करंट अफेयर्स अभी खत्म करके आपसे अब स्टार्टिंग जी के मुलाकात हो रही है। ये हमारा देखो एक 15-20 मिनट की डेली की डोज रही, क्योंकि एक दिन में तो ना क्या होगा कि ना आप स्टार्टिंग जी के पूरी याद कर पाएंगे और वो क्या होगा फिर एकदम बहुत ज़्यादा सा भर जाएगा आपके ऊपर स्टार्टिंग जी के। हम क्या करेंगे, दी अप्रोच इस कि भले हमको, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, तो भले हमको यार ऐसा हो जाए कि भाई अपने को 15-20-25 दिन 30 दिन 40 दिन भी लग जाए, लेकिन हम क्या करेंगे छोटे छोटे पैकेट्स में स्टार्टिंग जीके पढ़ेंगे। यानी 20-20 मिनट में आधे आधे घंटे के सेशन को लेकर के हम स्टार्टिंग जीके को करेंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हमको कभी स्टार्टिंग जीके रटने नहीं पड़ेगी, हमको याद ही होता चलेगा। आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज क्योंकि डे वन है तो मैं आज आपको जो भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि पहले ये दिखा देता हूँ किस तरह के सवाल आते हैं, और आप इनको काफ़ी कुछ देखना करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड सवाल मिलेंगे आपको। काफ़ी सारे करंट अफेयर्स जो हम लोग सुबह सुबह करंट अफेयर्स चलते हैं, आपको देखेगा कि यार उसी से रिलेटेड सवाल है मोटा मोटा। तो यानी कि आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स एक कॉम्बिनेशन की तरीके से होते हैं। आप अगर करंट को पढ़ते हैं तो आपका स्टैटिक जीके अपने आप मजबूत होता जाता है। आइए शुरू करते हैं, फिर देखेंगे कैसा क्या जा रहा है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइज मोटर रेस कहाँ पर हुई थी, यार यही ऑर्गेनाइज, ये वही ऑर्गेनाइज मोटर रेस है जो कि बाद में जाकर के पता है क्या बनी है, बाद में जाकर के यही बन गई है F1 रेसिंग। यानी आज की मॉडर्न रेसिंग जो है ये अपने रूट्स ट्रेस बैक करती है इस समय जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज मोटर रेस जो बनाई गई थी वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये है यार किस पे, फ्रांस में। ऑलराइट, दिस इज इन फ्रांस। आइए यहाँ पर देखते हैं, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, ये सब तो आंसर्स आप लोग बताते भी चले जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए वेलिंगटन ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है रोइंग से। वेलिंगटन ट्रॉफी, देखिए ट्रॉफीज का क्या सीन है, अपने इसके नोट्स भी बनाने का तरीका बता देता हूँ। एक अपने जो भी A4 लेना उसमें क्या करना, एक हेडिंग डाल देना एक पेज के ऊपर ट्रॉफीज, फिर क्या करना जैसे यहां डाल दो रोइंग। अब एक साथ ऐसा नहीं है कि याद करना है, नहीं, अब रोइंग आया तो आज लिख लो वहां पर वेलिंगटन ट्रॉफी। अब फिर मान लो कभी रोइंग और आया, जो एक साथ नहीं आता, जो जो आता जाए ना उसको एक जगह पर नोट करते जाओ, जिससे क्या होगा जब खुद नोट करते हो ना तो चीज़ें याद होती हैं। 50 नोट्स ले लोगे लेकिन जब खुद याद, खुद हाथ से लिखोगे ना तो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे ही याद होंगी। तो आप रोइंग लिखिए, रोइंग के बगल में आप लिख दीजिए वेलिंगटन ट्रॉफी, भाई पता चल गया ये होता है। आइए, अच्छा यहाँ पर आइए, पहला गोल्ड मेडल विनर कौन था इंडिविजुअल कैटेगरी में भारतीय गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में, यानी भारत से किसको पहली बार गोल्ड मेडल मिला था बताएंगे। हिंट दे दूं, इनको शूटिंग में मिला था यार, इनको मिला था शूटिंग में। देखो अब ये भी पूरा करंट अफेयर्स के फॉर्मेट पे ही आ रहा है, तो शूटिंग में मिला था, ये है अभिनव बिंद्रा साहब। ठीक, इनको शूटिंग के लिए इनको दिया गया था ओलंपिक गोल्ड मेडल, इन्होंने जीता था। फिर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ बताएंगे थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, फिर से वही वाली बात आ गई, कप्स के लिए सेम वही ट्रॉफी कप सब एक ही चीज़ है यार, ये चला जाएगा आंसर बैडमिंटन से एसोसिएटेड है आपका थॉमस कप। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सा एथलीट था जिसने भारत को 1900 के समर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये बताता हूँ। देखिए उन भारत ने सबसे पहली बार जब पार्टिसिपेशन किया था तो 1900 समर ओलंपिक्स में ही किया था, इसके पहले भारत ने कभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। और ओलंपिक्स चल तो बहुत पहले से रहे थे, 1856-1876 से चल रहे थे, एथेंस में ग्रीस में चल रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से पहली बार जो कोई जा रहा है तो वो सन 1900 में जा रहे हैं। इनका नाम क्या था, सर नॉर्मन प्रिचर्ड इनका नाम है, नोट कर लीजिएगा, ये भी साथ में इंफॉर्मेशन नोट करिए कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट यहीं से किया था। ठीक है, चलिए वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आंसर देते जाना यार, तेजी से आंसर देते जाना, ठीक है ना, आंसर देंगे तेजी से, बढ़िया। अच्छा आज सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कल से हम क्या करेंगे, आज मैं आपको पहले से बता दूंगा कि कल मैं कौन से चार टॉपिक उठाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कल से मैं कौन से चार टॉपिक उठाऊंगा जिसके ऊपर MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, कल चार टॉपिक, अब जिसमें मैं जैसे चार टॉपिक क्या हो, मैं जैसे मान लो लोकसभा राज्यसभा सीट्स हो गई, या मान लो कि किस स्टेट में कितने राज्यसभा लोकसभा हैं, या चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पूछिया, या रिवर और डैम पूछ ले, तो आज मैं पहले से आपको चार टॉपिक बता दूंगा, आपको ये करना होगा वो चार टॉपिक तैयार करके लाने होंगे अच्छे से। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, कितना बढ़िया सवाल है यार। आज देखिए ये सवाल आया था 2016 में SSC CGL Tier 1 में, नीरज चोपड़ा आज तो दुनिया जानती है, ये जैवलिन थ्रोअर है, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं यार, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग। आइए, और ये क्लास डेली सुबह 7:45 पर है, 7:45 पर लगी हुई है, एक्चुअल में 7 बजे से लेकर 7:45 तक मेरा करंट अफेयर्स होता है। अब फिर उसमें अगर 2-4 मिनट इधर उधर हुआ, नहीं तो हम कोशिश करेंगे 7:45 तक इसको स्टार्ट कर देंगे डेली के डेली। आइए
फिर आते हैं भाई, पहला मेडल रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए कौन लेकर, रियो ओलंपिक्स कब हुए थे, यहां से दो सवाल बनते हैं, रियो ओलंपिक्स कब हुए थे? देखो दो ओलंपिक्स, एक है टोक्यो ओलंपिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं 2020 ओलंपिक्स है, टोक्यो ओलंपिक्स जो इस समय हो रहे हैं, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे, 2021 में हो रहे हैं, और इसके पहले जो ओलंपिक्स हुए थे 2016 के ओलंपिक्स को हम बोलते हैं रियो ओलंपिक्स। तो इसमें किसको मिला है यार, रेसलिंग में मिला है या वेट लिफ्टिंग में मिला है? आंसर पहले आप ये बताइए, ये रेसलिंग में मिला है या फिर ये वेट लिफ्टिंग में मिला है? आपको मुझे पहला सवाल तो ये बताना है कि इज दिस इज इन रेसलिंग और दिस इज इन वेट लिफ्टिंग, जल्दी से बता दो, इतना आसान सवाल है। आंसर है साक्षी मलिक, आंसर आपका आएगा यहां पर साक्षी मलिक। अब बाकी क्या, साक्षी मलिक कौन से गेम्स हैं ये मैंने कई बार बताया, ये आप ही बताएंगे। आइए फिर देखिएगा, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर आ जाएगा, बर्लिन, वियना, फ्रांस या फिर ज्यूरिच? देखो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स से ही निकल रहा है ना, ये सीजीएल 2016 में ये भी सवाल आए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूं आपको एसएससी के, कैसे कैसे आते हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये ज्यूरिच में है यार ये। नेक्स्ट पर आ रहे हैं हम लोग, थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, अभी अभी अपन ने बात करी थी, अब बता दो, अभी अभी अपन ने बात करी थी, यही सवाल दोबारा एक और शिफ्ट में आया था, इसी में हमने बात करी थी, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है थॉमस कप जी। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ब्लेड रनर किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया है, यानी स्पोर्ट्स पर्सन एंड देयर टाइटल, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को टाइटल कौन सा मिला हुआ है, ये बहुत जरूरी चीज है, बताइए जरा क्या टाइटल है भाई इनका, इनका किसका टाइटल है ब्लेड रनर, उसैन बोल्ट मत बोल देना, उसैन बोल्ट का टाइटल नहीं है ब्लेड रनर, ऑस्कर कार्ल पिटूरियस, क्यों इनको टाइटल दिया गया ब्लेड रनर, क्योंकि यार ब्लेड रनर ये होते हैं क्या बोलते हैं ऐसे एथलीट जिसमें मान लीजिए इनका किसी का पैर अगर कट गया है उस केस में ब्लेड लगाया जाता है, ब्लेड का मतलब ये नहीं दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, ब्लेड का मतलब ये होता है कि एक इस तरीके का, देखिए एक इस तरीके का ब्लेड होता है पैरों में, ठीक, अभी हसिया नहीं है जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर ये खड़े होते हैं, यानी इनके पैरों में ऐसे, इनके पैर तो मान लीजिए घुटने के नीचे से मान लीजिए किसी के पैर नहीं है, तो इस तरीके से ब्लेड लगा दिए जाते हैं, अभी इन ब्लेड्स के ही ऊपर ऐसे करके वॉक करते हैं, तो और रनिंग वनिंग भी करते हैं, खूब फास्ट रनर्स भी होते हैं, ब्लेड रनर्स बोलते हैं, ऑस्कर कार्ल पिटूरियस। नेक्स्ट पर आते हैं, सीके नायडू कप किससे एसोसिएटेड है, सीके नायडू के ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया है, नायडू साहब से इतना प्यार क्यों है, लेकिन सवाल इनके ऊपर खूब बार पूछा गया, सीके नायडू कप किस खेल से एसोसिएटेड है? आज देखो कप्स वाली सारी चीजें आपको आ रही हैं, नायडू साहब का कप कौन सा आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, सीके नायडू कप एसोसिएटेड विद क्रिकेट। पहला क्रिकेटर बताइए जिसने 1000 रन स्कोर करे थे किसी भी मैच में, यानी किसी भी फॉर्मेट में, जब मैं किसी कॉम्पिटेटिव मैच बोलता हूं तो यहां पर तीन फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट आ जाते हैं, ODI यानी वनडे इंटरनेशनल, T20 और आपका टेस्ट क्रिकेट, ये सारे के सारे आ जाते हैं। आंसर बताएंगे 1000 रन इन एन इनिंग्स, एक सिंगल इनिंग में 1000 रन स्कोर करने वाला है क्रिकेटर का नाम आ जाएगा, मैं आंसर बताऊंगा आप बताओगे कब किया था, ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा और आप बताओगे कब किया था, कमॉन प्रणव, वेरी गुड प्रणव धनवाड़े, प्रणव धनवाड़े इन्होंने किया था, आप बताएंगे कब किया था इन्होंने ये, और किस में किया था, ये किसी रणजी ट्रॉफी में किया था, इस तरह के किसी रणजी ट्रॉफी के गेम में किया था, या किस में किया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। रियो ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर इंडियन ओलंपिक्स का कौन था, रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर इस बारी कौन था, जरा जल्दी से बताना, मीराबाई चानू और दो लोग थे इस बार 2020 में रियो ओलंपिक्स में कौन था, और ये भी बताना, हाँ एक और चीज बहुत बढ़िया न्यूज यहां से आ रही है, ये 2016 की न्यूज है, यहां पर थे अभिनव बिंद्रा साहब और सुशील कुमार, याद आ रहा है, थे यहां पर 2016 में। दूसरी बात सुनिएगा, इस समय की अगर बात करूं तो 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पहले किसको होना था, मरियप्पन थंगवेलु, इनको होना था ना, लेकिन यार अभी अभी वो बदल गया, क्योंकि ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, मरियप्पन थंगवेलु जिस प्लेन से जा रहे थे टोक्यो, उनके बगल वाला बंदा कोविड पॉजिटिव निकल के आ गया, तो अब कौन पार्टिसिपेट करेगा, अब कौन फ्लैग बियरर है टोक्यो में, ये है टेक चंद, इनका नाम है टेक चंद, ये फ्लैग बियरर है इंडियन पैरा ओलंपिक्स जो टोक्यो में हो रहा है इस समय, इंडियन पैरा ओलंपिक्स कंटिंजेंट के फ्लैग बियरर टेकचंद साहब है, पहले कौन था यानी कल तक कौन था, मरियप्पन थंगवेलु जो कि एक हाई जंप एथलीट है। नेक्स्ट पर आते हैं, बेटन कप किससे एसोसिएटेड है, इनमें से बेटन कप किससे एसोसिएटेड है,
बेटन कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये सारे के सारे देखो कप्स आपको याद करने का उसमें एक्सप्लेनेशन ना कुछ नहीं होता है, लेकिन आप नोट्स जैसे बताए हैं वैसे ही बनाएंगे। टुडे वी विल जस्ट डू स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन जस्ट टू सी, जस्ट सी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख पाएं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको पूरी आगे तक की स्ट्रैटेजी के मैं आपकी कैसे कैसे कवर कराने वाला हूं। देखिएगा आगे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 1000 रन इन, अच्छा ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। ब्रिज टेक्निक जो है वो किस में इस्तेमाल करी जाती है, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स होते हैं यार। आप अगर सोच रहे हैं यार मुझे ये सब क्या याद करना पड़ेगा, ये स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स होते हैं जो कि किसी भी खेल में इस्तेमाल करे जाते हैं, तो आपको वो भी याद करने होते हैं। तो ब्रिज किस में इस्तेमाल करते हैं बताएंगे जरा, आंसर रेसलिंग में इस्तेमाल करते हैं ब्रिज को। जैसे हम लोग इंडिया में रेसलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो इंडिया से यार ओरिजिनेटेड है ये, मल्ल युद्ध बोलते थे इंडिया में, लेकिन मानते नहीं है, वर्ल्ड मानता नहीं है कि ये भारत में हुआ है। और हम लोग जैसे इंडिया में बोलते हैं ना दाव दाव बोलते हैं, ये वाला दाव वो वाला दाव, इसी तरीके से रेसलिंग में इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है कि भाई ब्रिज इज इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक, इट्स अ काइंड ऑफ दाव जो कि रेसलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पहला इंडियन फीमेल एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है, जिसका या तो हाथ कटा हुआ है या फिर पैर कटा हुआ है, काइंड ऑफ ये पैरा एथलीट नहीं होते लेकिन आप पैरा एथलीट से इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन आ जाएंगे भाई ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है, इनका नाम आ जाएगा अरुणिमा सिन्हा। इनकी एक बायोग्राफी है, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इनकी बायोग्राफी के बारे में बताना, जिन जानते इनका पैर कैसे कटा था, ये ट्रेन में जा रही थी, सुनना, ये ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में इनके संग कुछ छेड़छाड़ शुरू हो गई जिसकी वजह से धक्का मुक्की में चलती ट्रेन से दो तीन लड़कों ने इनको ट्रेन के नीचे फेंक दिया, जिस कारण इनकी जान तो बच गई लेकिन इनके पैर चले गए हमेशा के लिए, इनके पैर कट गए, इनका आत्मविश्वास पूरी तरीके से नीचे चला गया था। और ये बात सोचो यार, एक अगर एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो आत्मविश्वास एकदम नीचे गर्त में चला जाता है, इनके दोनों पैर चले गए थे, दोनों पैर या एक पैर चला गया था इस बारे में मुझे डाउट है। अब उसके बाद वो आत्मविश्वास वापस पाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब मैं इस कटे हुए पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। तो द सैल्यूट टू द विल पावर ऑफ मिस अरुणिमा सिन्हा, इस लेवल की विल पावर है इनके पास। और सिर्फ इन्होंने इसलिए बोला था कि यार मैं अपना आत्मविश्वास, अब मुझे अपना वापस पाना है, तो मैं वो काम करूंगी जो दोनों पैरों से भी लोग नहीं कर पाते, वो मैं एक पैर से करके दिखाऊंगी। विल पावर सोचिए, डिटर्मिनेशन सोचिए। पीवी सिंधु ने, अच्छा ये तो खैर ये करंट अफेयर्स आ जाएगा, ये दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, यानी समझना इस ये क्यों सवाल पूछे गए 2016 में, क्योंकि 2016 में ओलंपिक्स हुए थे। अब आप लोगों का क्या है, 2021 में ओलंपिक्स हुए हैं ना, अब क्योंकि ओलंपिक्स 2021 में हुए तो यार जितनी कंटिजेंट गई है, जिन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स में और थोड़ा भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, किसी एक भी प्लेयर को हरा, जो देखो पहले बार में ही अलग हो गया उनका तो नहीं नाम याद रखना है, लेकिन अगर किसी एक भी प्लेयर को उन्होंने हराया है तो फिर आपको वो पूरी कंटिजेंट का नाम याद रखना होता है। तो दीपिका कुमारी किससे एसोसिएटेड है, आंसर इज आर्चरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आर्चरी। नेक्स्ट वन पे आते हैं, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, गेम्स एंड द ट्रॉफी से ये भी आ रहा है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी यार ये भी आ जाएगा हॉकी। अच्छा ये बताएंगे चाइना का नेशनल गेम क्या है, इंडिया का नेशनल गेम क्या है हॉकी, चाइना का नेशनल गेम क्या है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना। लोग कहते हैं कुछ नहीं वैसे, लेकिन सोर्सेस कहते हैं, देखो डाउट होता है कि भाई कुछ भी नहीं और टेबल टेनिस, अगर ऑप्शन आ जाए ना तो आप टेबल टेनिस ही मार्क करेंगे, एसएससी जो मानता है वो टेबल टेनिस मानता है। अच्छा अब बात ये आती है यार, मैं आपको मेन चीज जो मुझे आज के सेशन में आपको बतानी थी, दैट इज अबाउट दी स्ट्रैटेजी और कल से हम लोग कौन कौन से टॉपिक ले रहे हैं। तो देखो दोस्तों करंट की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी, मेरे पास करंट को पढ़ाने के लिए आपको 120 टॉपिक्स हैं, ठीक है 120 टॉपिक्स हैं, 120 टॉपिक को मैं लमसम टारगेट ये कर रहा हूं कि अगले 70 डेज में या 60 डेज में बेसिकली इसको खत्म कर दिया जाए। मैं 45 टू 60 डेज का टारगेट कर रहा हूं। और देखो यार ये कितना बढ़िया होगा अगर आपको 45 से 60 दिन में पूरी स्टैटिक जीके अगर आपको याद हो जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके याद नहीं होती है। तो मैं करूंगा क्या, हर दिन आपको दो टॉपिक दूंगा, सिर्फ दो, इसमें एक टॉपिक बड़ा होगा और एक टॉपिक छोटा होगा ताकि आप बैलेंस रहें, वो दो टॉपिक आपको तैयार करके आने और उसके ऊपर बेस्ड मैं 25 एमसीक्यूज पूछूंगा, एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, एमसीक्यूज या फिलअप्स के फॉर्मेट में मैं आपसे पूछूंगा 25 डेली का डेली 25 टू 30। सुबह सुबह 7:45 पे हमारा सेशन होगा।
अब धीमे धीमे आप देखेंगे कि यार ये 120 के 120 टॉपिक आपको पूरी तरीके से आप मास्टर कर चुके हैं। बोलिए बात समझ आ रही है ना ये बढ़िया से। सो ये चीज जो है इसके ऊपर आपको बस एक बार अगर आप रेगुलरिटी, यहां पर सारी चीजें आएगी समझना। पेट में यही आया था तो कौन सा आलोक क्या चीज, मैंने आपका सवाल नहीं देख पाया यार। ठीक है, ऐप पर प्रिया मेरी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं आप एसएससी में पूछ रहे हैं ना, एसएससी कैटेगरी में होती है 12:30 बजे से, और आज से एक और नया बैच जीएस का शुरू हो रहा है वो 3:30 बजे से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, आज से जीएस का जो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिर यार ये शेड्यूल है। अब मैं आपको कल के टॉपिक बता देता हूं कि यार कल हम जिस टॉपिक के ऊपर बतियाएंगे वो टॉपिक कौन सा रहेगा, सोचने दो हमको भी। दो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों टॉपिक यार आप लोग पढ़ के आओ, बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा यार। रुकना जरा, तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल पर हमारी पहुंच जाएगी हम लोगों की, रुकिएगा। तो आप नोट करेंगे, पहले तो आप बताएंगे, लिखेंगे टॉपिक, लिखिए एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, लिखेंगे एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, टूम्ब ऑफ एम्परर्स एंड नेशनल गेम ऑफ कंट्रीज, सारे लिखे लिखे जल्दी से लिखे, एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, टूम्ब ऑफ एम्परर्स, किसका मकबरा कहां पर स्थित है। और इसके पहले मैंने एक और चीज बताई थी, क्या बताया था, दिमाग से उतर गया मेरे, एक और चीज मैंने बताई थी आपको, एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज हो गया, टूम ऑफ एम्परर्स हो गया, नेशनल गेम ऑफ कंट्रीज, हाँ नेशनल गेम ऑफ कंट्रीज, और इतना ही रखते हैं, चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है सर, सीए की क्लास, हाँ जी यस संजय, सीए वहीं पर ही होगी। ठीक है, सीआई पर, अच्छा मारिया उस समय आलो, उस समय तक जो आंसर सही रहेगा ना, मारियापन थांगावलू सही आंसर रहेगा, टेक्चन वाला आंसर आज हुआ है, वो जो चेंज हुआ है ना आज हुआ है, तो इसलिए वो ठीक है। बस ये तीन चीजें रखते हैं यार, ये तीन टॉपिक्स रखते हैं और इसको करेंगे डेली सुबह हम 20 से 25 मिनट का ये स्टैटिक का सेशन होगा, आपको मैं टारगेट दे दूंगा एक दिन पहले ही, और उसी पे हम ये काम, उसके बाद तुरंत आकर के अगले दिन हम मैच करेंगे कैसी रही हम लोगों की कहानी। ठीक है चलो फिर यार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मुलाकात करके। आपकी पूरी स्टैटिक जीके की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जैसे मैंने करंट अफेयर्स की ली हुई थी जिम्मेदारी, वैसे ही अपने स्टैटिक जीके की भी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्टैटिक जीके की हमारी हुई। ठीक, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अभी 8:30 पे एक स्पेशल क्लास भी रहेगी, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। वैसे 8:30 पे मेरी एक स्पेशल क्लास है जहां मैं CET पैटर्न पे 3 दिन की क्वांट्स वर्कशॉप करा